आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस निमृत कौर अहलूवालिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। निमृत कौर अहलूवालिया को बिग बॉस 16 के पहले प्रतियोगी के रूप में चुना गया था। हालांकि वो कुछ लोगों के लिए एक नया चेहरा हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि निमृत बहुत ही उन प्रतिभाशाली लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बढ़िया मुकाम पाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनके स्ट्रगल के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, जिससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और आप भी अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ोगे और जीवन में सक्सेसफुल बनोगे। और लाइफस्टाइल से जुड़ी वीडियोस इस चैनल पर आपको ऐसे मिलते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं। और अब मैं निमृत कौर अहलूवालिया के बारे में सब कुछ बताता हूं। निमृत कौर अहलूवालिया एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन उद्योग में काम करती है। वह भारतीय नाटक टेलीविजन धारावाहिक छोटी सरदारनी मेहर सिंह गिल के किरदार के लिए जानी जाती है। निमृत कौर मिस इंडिया मणिपुर 2018 है और एक वकील, थिएटर कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। कलर्स टीवी के प्रसिद्ध धारावाहिक छोटी सरदारनी में उनकी उपस्थिति के बाद उन्हें छोटी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों उनके जन्म के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। निमृत कौर अहलूवालिया का जन्म 11 दिसंबर 1994 को नई दिल्ली, इंडिया के अंदर हुआ था। वह एक सिख खत्री परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता का नाम सुरपाल सिंह अहलूवालिया है जो मणिपुर में एक सेना अधिकारी है। उनकी माँ का नाम इंद्रप्रीत कौर अहलूवालिया है जो की एक गृहिणी है। उसका एक भाई है, उसका छोटा भाई अर्पित सिंह अहलूवालिया जो वर्तमान में ड्रेक्सल विश्वविद्यालय यूएसए में पढ़ रहा है। निमृत कौर वैवाहिक स्थिति की बात करते हैं तो फिलहाल अविवाहित है और अपने किसी भी प्रेमी के साथ रिलेशनशिप के अंदर नहीं है। वो पूरा फोकस अपने करियर पर ही दे रही है। अब उनकी दोस्तों शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि अपने जीवन के अंदर निमृत कौर अहलूवालिया ने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मीराबाग नई दिल्ली से पूरी की। उसके बाद उन्होंने LLB में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में दाखिला लिया। वह अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए एटलियर स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स नई दिल्ली भी गई। उन्होंने अपने अभिनय को निखारने के लिए कई थिएटरों के अंदर परफॉर्म किया। अब दोस्तों उनके करियर के बारे में अब डिटेल से जान लेते हैं, जिससे आपको पता चला करके कि वो कहां कहां दिख चुकी है, कि क्या क्या संघर्ष अपने जीवन के अंदर निमृत कौर अहलूवालिया कर चुकी है। अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर अभिनय से की। उन्होंने 15 से अधिक सालों तक नाटकों के अंदर अभिनय किया। निमृत ने 2018 में एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। निमृत ने 2018 में एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई संगीत वीडियो में अभिनय किया। उन्होंने TGPC द्वारा द टियारा कविन जीता। अभिनेत्री ने 2018 में FBB कैंपस प्रिंसेस के पटियाला ऑडिशन में फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल किया और 2018 में मिस इंडिया मणिपुर जीता। उसके बाद अभिनेत्री को संगीत वीडियो में प्रदर्शन करने के लिए कई प्रस्ताव मिले, क्योंकि वह 2018 में बी प्रांग के साथ एक संगीत वीडियो मस्तानी में दिखाई दी। उसके बाद वह 2019 में ब्रेड दोसांझ द्वारा सीरियस संगीत वीडियो के अंदर भी दिखाई दी। अभिनेत्री ने 2019 में टेलीविजन में अपनी शुरुआत की, जब उन्हें हितेश भारद्वाज के साथ लोकप्रिय टीवी धारावाहिक छोटी सरदारनी में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई। निमृत सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहती है। वह संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ काम करती है। कौर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन में भी भाग लेती है। अभिनेत्री ने भारत में विभिन्न कानून फर्मों के साथ भी काम किया है। हाउंडेन इंश्योरेंस मुंबई से एक प्रस्ताव मिला, लेकिन अपने मॉडलिंग करियर के कारण इस प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब उनके बिग बॉस 16 की एंट्री के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सलमान खान बीबी 16 के लिए तैयार थे और उन्होंने शो में पहले प्रतियोगी निमृत कौर अहलूवालिया को पेश किया था। हालांकि बिग बॉस 16 उनका पहला रियलिटी शो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। निमृत ने इससे पहले खतरा 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 और द इंडियन गेम शो में भाग लिया है और उनके प्रतिस्पर्धी पक्ष को देखा गया है और उनकी बहुत ही सराहना की गई है। अब दोस्तों हम शॉर्ट के अंदर उनकी पूरे जीवन की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 2011 में निमृत कौर अहलूवालिया एशिया यूरोप फाउंडेशन द्वारा इटली में एक छात्र विनिमय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए छात्रों के एक प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा थी। चूंकि उसके पिता सेना में है, इसलिए वह पूरे भारत में 8 राज्यों में रह चुकी है। निमृत के शौक में घूमना और तैरना शामिल है। जंक ज्वेलरी के टुकड़े इकट्ठा करना पसंद करती है और उसके पास लगभग 700 जोड़ी जंक ईयर रिंग्स है। चूंकि निमृत सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रूप से शामिल है, इसलिए उनका साप्ताहिक वंचित बच्चों को शिक्षित करने में व्यतीत होता है। वह एक प्रशिक्षित जज डांसर भी है। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एमा वॉटसन उनकी रोल मॉडल है। वह अपना तनाव कम करने के लिए तैराकी करना पसंद करती है। मॉडलिंग की यात्रा शुरू करने से पहले उनका वजन लगभग 78 किलोग्राम था और उन वजन को घटाने पर अपने विचार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो साझा कर चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने निमृत कौर अहलूवालिया के बारे में जाना। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, निमृत कौर अहलूवालिया के बारे में सब कुछ आपने जाना है, तो आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वायरल लोगों के अपडेट, साथ ही बायोग्राफी और लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।